हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, UPNHM 2700 प्लस और 1400 प्लस वैकेंसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के क्रम में ये आपका नया वीडियो है। और इससे पहले कि अगर वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर UPNHM एग्जाम 2020 का फोल्डर है जिसमें जाके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है वीडियो आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उनके रिगार्डिंग। और इस टाइप के कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो हैं वो हर एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आपके इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कौन कौन से प्रोग्राम और उनका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन ये है कि विटामिन ई की दवाई देकर ब्लडनेस को कंट्रोल करना। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 महीने जब बच्चा 9 महीने का पूरा हो जाता है तो उस टाइम सबसे पहले उसको विटामिन ए की खुराक दी जाती है, डोज दी जाती है, जिससे कि उसे जो नाइट ब्लाइंडनेस है उससे वो बचा रह सके और जो विजन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर किया जा सके। तो ये कार्यक्रम इसके लिए चलाया गया था, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर, और ये है आपका प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, यानी जो पोषण एनीमिया है, पोषण रक्तहीनता है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। ये स्पेशली किसके लिए था, ये प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं और बच्चों जो कि जिनकी उम्र सॉरी 1 से 12 साल की के लिए 1 से 12 साल की है और उनको आयरन और फॉलिक एसिड क्या है वितरित करना। ओके, और इस कार्यक्रम है ICDS यानी जो आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अंतर्गत MCH और PHC को सम्मिलित किया गया है। ओके, तो PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो इसमें क्या है जो आपकी न्यूट्रिशनल एनीमिया है इसको दूर करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड को वितरित किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे हम कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स, यानी कि जो आयोडीन हीनता डिफिशेंसी कहेंगे हीनता को यानी कमी को, जो आयोडीन से उत्पन्न जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ग्वाइटर एंडेमिक क्षेत्र की पहचान करना, यानी जहाँ पर ग्वाइटर यानी घेंघा रोग ज़्यादा होता है व्यक्तियों में, तो उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना और आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई करना, ठीक है, आयोडीन नमक की सप्लाई करना जिससे कि उनकी आयोडीन की डिफिशेंसी को दूर किया जा सके। और कंट्रोल मेजर्स के इम्पैक्ट को मूल्यांकन करना, नेक्स्ट हमारा है स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, यानी विशेष पोषण कार्यक्रम जो है वो किसके लिए चलाया गया था, ये 6 ईयर से कम उम्र के बच्चों, यानी 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं और प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स के लिए न्यूट्रिशनल बेनिफिट है। 1970 में ये शुरू हुआ था और इसमें 300 किलो कैलोरी तक सप्लीमेंट्री फूड तथा 10 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चा प्रतिदिन दिया जाता है। ओके, तो यानी 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जो पोषण के लाभ है, 1970 में इसको शुरू किया गया था और इसमें 300 किलो कैलोरी तक पूरक आहार तथा 10 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चे को प्रतिदिन क्या है दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट हमारा है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम।
यानी बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, इसमें इसको कब प्रारंभ किया गया था, ये 1970 में प्रारंभ किया गया था। और ये 3 से 6 उम्र के बच्चों, 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के बेनिफिट हेतु शुरू हुआ, ठीक है। यानी ये 1970 में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लाभ हेतु बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा है आईसीडीएस प्रोग्राम, ओके। ये है आपका एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको आईसीडीएस कहते हैं। और इसके अंतर्गत ही आपके जो आंगनवाड़ी, जो आपके केंद्र चलते हैं, जिसमें बच्चों को आहार दिया जाता है, पोषक आहार दिया जाता है। और ये कब शुरुआत किया गया था, ये 1975 में शुरू किया गया था, 1975 में शुरू किया गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एनएम स्टाफनर्स के, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। और नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भी। ये है आपका मध्याह्न भोजन योजना, और इसको क्या है 1961 में शुरू हुआ तथा इसका उद्देश्य बच्चों के अधिक एडमिशन और उन्हें रोकना था, ओके। मिड डे मील प्रोग्राम 1961, ये आपकी 1961 आपका, इसमें यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, इसको मैं कमेंट सेक्शन में इसका एग्जैक्ट जो आपका ईयर है वो मैं लिख दूंगा, क्योंकि ये मिसप्रिंट हुआ है और 1961 नहीं है, 1961 नहीं, इसकी इसका ईयर मैं लिख दूंगा कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने टेलीग्राम चैनल में भी इसका मैं डाल दूंगा डिटेल कि मिड डे मील प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था, और आप लोग भी सर्च करके बुक में देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है ये आपका है 1955 में शुरू हुआ मिड डे मील स्कीम, और इसको 2004 में सुधार करके इसको फिर से शुरू किया गया, ओके। तो ये आपके रहे इम्पोर्टेंट सामुदायिक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। और फ्रेंड्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन पे हमारा चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट के नाम से है, और अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको टेलीग्राम ओपन करिए और सर्च करके उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी भी अपडेट मिलेगी, और जो पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको मिलती रहेंगी। और दूसरा तरीका है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, हमारे चैनल का, उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।